अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, इधर बच्चों के स्कूल जो हैं वो फिर से शुरू हो चुके हैं, और यहाँ जो है मैं बच्चों के ना यूनिफॉर्म प्रेस करके रखने लगी थी, क्योंकि वैसे तो उन्होंने 1 घंटे के लिए जाना है लेकिन फुल यूनिफॉर्म में जाना है, और क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाली है इसलिए उन्होंने टीचर्स ने जो है वो एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी करवानी है। तो मैंने कहा मैं रात को जो है ना कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ ताकि सुबह जो है ना परेशानी ना हो ना। हाँ जी, आ जाओ, चलो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो पे ही है, बाय बाय। तो बच्चे जो है वो स्कूल चले गए थे, और स्कूल भेजने के बाद जो है थोड़ी देर मैंने बस रेस्ट किया, और उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे बर्तन जो है वो थोड़े बहुत नाश्ते के जो रखे हुए थे तो मैंने कहा वही धो लूँ, और अभी थोड़ी देर में जो है मेरी हेल्पर आ जाएगी। तो आज जो था मैंने आज कपड़े भी धुलवाने हैं उससे, मशीन लगनी है, और साथ में जो है ना अभी एक दो रज़ाई जो है वो रहती थी सिंगल वाली, जो क्या कहते हैं उसको, पतली वाली जो रज़ाई, विक्की रज़ाई जो होती है, हाँ वो धुलवानी थी क्योंकि वो रह गई थी। तो बस वो भी उसको कहा हुआ था कि आज आओगी जल्दी, तो ना पहले मशीन लगा के कपड़े शपड़े धोने के बाद में सफाई। फिर ये कि उसको ज़रा ऊपर छत पे ज़रा देर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही जो है ना झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, तो वो आके ना पोछा लगा देगी, तो काम ज़रा ना, क्योंकि उसने आगे भी जाना होता है तो फिर देर हो जाती है बेचारी को काफ़ी ना, तो इसलिए बस फिर मैंने झाड़ू झाड़ू खुद ही लगा लिया यहाँ पे जो है बिस्तरा वगैरह समेट के। तो छोटे छोटे काम जो है ना मैंने कहा अभी ज़रा सुबह सुबह ज़रा बंदा सही फ्रेश भी होता है इस टाइम, तो इस टाइम जो है ना काम ज़रा बंदा कर लेता आराम से। खैर देखिए, अब कंबल शंबल भी निकल आए हैं, सर्दी इतनी हो गई है, ठंड बहुत, अब तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम हो गया, इन्जॉय वाला जिसको कहते हैं ना, सही मज़े का मौसम हो गया। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है? रज़ाइयाँ शज़ाइयाँ निकल आई हैं, कंबल वगैरह? क्योंकि हमारे यहाँ तो लाहौर में जो है ना बड़े मज़े का मौसम हो गया है, ठंड बड़ी मज़े की हो गई। देखिए मैंने तो स्वेटर भी पहना हुआ है, सुबह के टाइम जो है ना वो ठंड थोड़ी सी ना ज़्यादा होती है और लग भी रही होती है ठंड ना, तो मैंने तो पहन ली, लेकिन सफाई करते हुए जो है फिर आपको गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर जो है बॉडी जो है ना वो एकदम गर्म हो जाती है ना। तो क्योंकि हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन में एक तो गर्मी भी ज़्यादा होती है और एक सर्दी भी ज़्यादा होती है, तो दोनों चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए फिर ये है कि बाद में जो है कि सुबह सुबह ही लगती है, बाद में तो फिर दिन में जो है ना थोड़ा मौसम टेम्परेचर जो है ना वो सही हो जाता है। खैर, तो बेडशीटें जो थी वो भी मैंने चेंज कर ली थी, और यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो भी मैं समेट रही हूँ। बच्चे जो थे 1 घंटे के लिए गए थे और आ भी गए स्कूल से, और बस उनकी यूनिफॉर्म उठा के ना मैं साइड पे रख रही थी, और इधर से जो है ना ये वाला जो रूम है ना ये ज़्यादातर हमारा बस इधर कपड़े शपड़े प्रेस होते हैं और तय करना वगैरह, यही बस जो है ना वैसे इधर कुछ होता नहीं है। तो खैर ये साफ़ ही होता है, इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं होता, लेकिन ये कि फिर भी मैंने कहा चलो अच्छे। तो बस अंदर से जो है वो मैंने कर लिया था, हमें बाहर लाउंज से जो है ना मैंने कहा इधर से भी कर लूँ, यहाँ पे सोफ़ों की जो चादरें वगैरह ना ये भी सारी झाड़ लेते हैं, और ये जो थी साफ़ ही थी, ये तो मैंने नहीं आज धुलवाई क्योंकि लास्ट टाइम जब मशीन लगी थी ना तब मैंने ये धुलवा लिया था, सोफ़े के कवर भी, और क्या कहते कुशंस के कवर और सोफ़ों की जो चादरें थी ना वो भी धुल गई थी, तो अभी तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो खैर बस चादर जो थी नीचे कारपेट की वो भी चेंज कर ली थी, और बस मैंने कहा सोफ़े जो है ना इनको झाड़ के, तो इसको जो है ना चादर सेट करके तो मैं रख देती हूँ। चीज़ें जो है ना सारी छोटी छोटी बिखरी होती, बच्चे जो छोटे हो ना जब घर में खेलने वाले, और तो चीज़ें जो है ना इधर उधर कुछ ना गिरा ही रहता है। खैर बस वो सारी चीज़ें सिमटी हैं और चादर को झाड़ा है, और मैं सोफ़े पे जो है चादर सेट करके रखती हूँ, अच्छे बड़ा ना सहूलत हो जाती है, चादरें बिछी हो ना तो सोफ़ा जो है ना आपका साफ़ रहता है, वरना तो मैंने कहा क्या हशर हो जाए सोफ़े का, तो ये है कि बड़ा ना चल जाता है बड़ा अच्छा माशाल्लाह, अभी तक कोई दाग वगैरह नहीं है इसके ऊपर, इसको काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल 1 साल से तो ऊपर ही हो गया है इसको सोफ़े को ना पोशिश करवाए हुए को। तो पहले मेरा डार्क ब्राउन से कलर का आप लोगों को याद होगा, अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने देखा हुआ है मेरे व्लॉग्स, तो ब्राउन से कलर का था ना इसकी पोशिश हुई हुई थी, तो खैर वो तो मैंने क्योंकि एक साइड से जो है ना ये सीट बैठना शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना चेंज करवा लिया था। तो ये थोड़ा वेलवेटी में है, ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ना फैब्रिक है, तो ये बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा लगता है, तो लेकिन थोड़ा सा कलर इसका लाइट है इसलिए जो है ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये है कि इतना पता नहीं चलता वैसे इसका मैला होने का, लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना पेंसिल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें शुक्र है नहीं वैसे इस्तेमाल करते, और ना ऐसे कोई करते शरारते ना, तो अभी तक तो अल्लाह करे सही चलता रहे आगे भी। तो अभी बस सफाई वगैरह करके ना उसके बाद बच्चों को जो है कुछ बना के दूंगी, क्योंकि राफिया जो है ना वो सुबह नाश्ता इतना सही नहीं करके जाती ना, तो इसलिए इस टाइम जो है ना फिर भूख लगी होती है,
तो आलू का जो है ना मैंने पिट्ठी बना के रखी हुई थी, तो बड़े शौक से खाती है आलू के पराठे ना, तो मैंने कहा बस ये जल्दी से मैं कर लूँ फिर आपको ना आलू का पराठा बना के देती हूँ। और आज जो है समझ नहीं आ रही थी आज खाने की क्या बनाना, लेकिन ये कि पहले जो है काफ़ी लेफ्ट ओवर काफ़ी पड़ा हुआ है, मिक्स सब्जी भी बनाई थी वो भी पड़ी हुई है, और साग भी अम्मी ने दिया था वो भी पड़ा हुआ है, तड़का लगा हुआ है। तो कल मैंने जो थे वो आलू और मटर वाले जो थे वो चावल बनाए हुए थे, वो भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा आज जो है हमारा ना गुजारा हो जाएगा, तो कल देखेंगे फिर क्या बनाना है। और मैं अम्मी की तरफ जब गई थी ना, तो वहाँ पे मैं डॉलर शॉप पे भी गई थी, तो वो वाला ब्लॉग मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो इसके बाद जो है ना आगे एंड में जो है वो मैं आप लोगों के साथ ना उसकी क्लिप शेयर करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक हो गया। इसलिए मैंने कहा थोड़ा लंबा हो गया था ब्लॉग पिछले वाला, तो मैंने कहा तो ये नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी अम्मी लोगों ने जो है वो, कुछ चीज़ें ली थी, कुछ मैंने ली थी, दो चार चीज़ें जो थी ज़रूरत की, हर चीज़ वैसे मिल जाती है वहाँ से, कि जो हम ऑनलाइन देखते हैं ना दराज पे, वो सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ से मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी उनके पास, तो अच्छा बस झाड़ू वगैरह लगा के जो है ना मैंने हाथ वगैरह धो लिया। अब मैं यहाँ पे मैंने ये वाला मैट लेके आई थी, इसको क्या कहते हैं रोटी बनाने के लिए ना, तो वहाँ पे मिल रहा था, ये ऑनलाइन हम देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये होता है कि फिर आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं ना, तो इसलिए ये है कि वहाँ पे 400 का आई थिंक 400 का मुझे शायद मिला था, तो मैंने कहा इसको यूज़ करके देखेंगे ये कैसा रहता है ना रोटी बनाने के लिए। तो अभी तो मैंने, और साथ में ये जो है ये कुंडी जो आपको नज़र आ रही है सामने पत्थर की, तो ये मैंने ली थी वहाँ से 550 की ली थी तकरीबन। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, मैं दो चार चीज़ें ही ली थी जो भी मुझे अच्छी लगी वहाँ से। वैसे तो चीज़ें बहुत सारी थी वहाँ पे, डेकोरेशन का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना छोटी छोटी जो डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी लेके आऊँगी फिर बाद में, तो लिविंग रूम को जो है ना थोड़ा सा सेट करूँगी इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है ना मैं आप लोगों के साथ लिविंग रूम का जो है ना मेकओवर शेयर करूँगी, तो वो फिर जो है ना आप लोगों को वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जो है बस उसका मैंने पीठी का जो है एक पराठा बना दिया इसी के अंदर ऐसे करके, तो हरी चटनी के साथ जो है ना ये बड़े मज़े का लगता है। अच्छा मैंने इमली की चटनी भी बना के रखनी है, वो भी बच्चे जो है ना बड़े शौक से खाते हैं, तो वो भी पड़ी हुई हो ना तो वो बड़ी चीज़ों में ना काम आ जाती है। तो अभी जो है ना सुबह वाला पराठा भी बचा हुआ था वो भी गर्म कर लिया, यहाँ पे जो है ना आलू मेथी की गोभी और मिक्स सब्जी की ना ये पड़ा हुआ था ये गर्म करके, तो अहमद को मैं यही खिला रही हूँ, और चाय रखी हुई है, दूध पत्ती डालनी है थोड़ी सी, हम इसी के अंदर ही बना लेते हैं देखें, क्योंकि मैंने पीने हैं। दोपहर का टाइम हो रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने अपने लिए जो है यहाँ पे ना दूध पत्ती से रखी हुई थी ऊपर, और साथ में जो है ना यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही थी क्यों शामी कबाब का ही ना, तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ, वो ज़रा ना कभी कभी मज़े का लगता है, तो बस सिंपल जो है मैंने वो क्या कहते हैं कबाब जो है वो रख दिए मायो केचप लगा के, और अंडा जो था दूसरी तरफ बनाया, और ये जो सैंडविच है ना ये बड़े मज़े का लगता है, चाय के साथ भी ना आप खा सकते हैं गर्म गर्म, सर्दियों में और ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे। तो थोड़ी सी चीज़ मैंने डाल के तो अब इसको जो है ना क्रिस्पी से कर लूँगी तवे पे, तो ये और ज़्यादा ना क्रंची सा बड़े मज़े का लगता है। वहाँ पे मेरी जो दूध पत्ती है वो भी रेडी हो गई है, और बस बीच में थोड़े से टमाटर वगैरह काट के मैंने डाल दिए थे, अब हम इसको दो हिस्सों में काट लें। देखें हमारा सैंडविच फ्रॉम इनसाइड जी हम, तो यहाँ पे जो है सैंडविच मेरा रेडी हो गया था, और ये भी मेरे साथ जो है ना किचन में थी, ये भी तंग कर रही थी इसलिए मैंने इसकी जो है ना ऊपर ही बिठा लिया काउंटर टॉप पे, मैं काफ़ी देर बैठूँ आराम से। तो यहाँ पे जो है ना बाहर से कड़ी आ गई थी, और ये तंदूर होटल की जो है ना कड़ी है, और ये किसी किसी दिन ही मिलती है, और कल मेरा ख्याल है क्या बुध था शायद, हाँ बुध वाले दिन जो है ना कड़ी बनाते हैं और लगाते हैं, तो
तो यहाँ जो है ना एक प्लेट कड़ी आ गई है और साथ में रोटियां भी आ गई हैं तंदूर की, और ये बस सब जो है ना अपना अलग अलग नाश्ता खाना खा रहे हैं कोई आलू वाला पराठा खा रहा है, तो कोई सैंडविच खा रहा है, तो कोई कड़ी खा रहा है, तो कोई कुछ खा रहा है, बस यही कुछ और। वो आ गया डॉलर स्टोर, या डॉलर हब आ गया। इधर देखो डॉलर क्या वेखते हैं, बर्तन शर्तन काफी बड़ा है, की है था? ये क्या चीज है, लैंप है आई थिंक, क्यूट लैंप है छोटा सा। ये कितना प्यारा है। तो ये क्या चीज़ है, कितना प्यारे क्यूट क्यूट से हैं ये, 280 का आई थिंक, हाँ $1 ईच। ये कितना प्यारा है, वाह, डेकोर कुछ रखने के लिए। क्यूट है ये, छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें, ये भी $1। डेकोरेशन का सामान है सारा, है ना, क्यूट सी बना हुआ है। ये देखें, ठहरो, ये देखो हैंगिंग है क्यूट सी, ये देखो कितने प्यारे प्यारे का, वन पीस है ये, टू ये 3 पीस 280 के, ये 280 का वन पीस है ना, ओ वो 2 दे रहे हैं, कितना प्यारा बोला है भला, ये भी 1 पीस 280 का, ये भी मग्स भी मिल जाते हैं, ये भी एक ना प्यारा बखा, ये भी 1 पीस 280 का है ना, ये कितनी प्यारी है, क्यूट है ये, कितनी एप्पल शेप में बनी हुई है। This is also very pretty. Nice. छोटे छोटे से, ये बड़े अच्छे है रखे है ना, नहीं ये शीशे के बना हुआ है, ये वो सांचे इधर सारे, एक ये भी बड़ा अच्छा है स्क्वीज़र। ये क्या चीज़ है, टेबल मैट्स हैं, शीट, अच्छा ये तो वो लग रहा है फ्रिज के तो नहीं है, दराज में कटलरी ट्रे, ये देखो सा 950 केजी के हिसाब से देंगे ना, इसके साथ के लिए बड़ी भी है और ये उससे बड़ी भी है पीछे,
प्यारा है कलर, चुप चुप ही ये छोटी प्लेट है। ये कितना प्यारा सेट है, यह सेट कितना प्यारा है, इसका भी पूरा आपको मिल सकता है। ये कटोरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, वाइट कलर कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना। ये भी प्यारा डिज़ाइन है। केजी के हिसाब से देते मेरे ख्याल बर्तनों वाले रैक। ये कितना प्यारा है ना, वैसे देख रही किड्डा सोहना लगता है। ए ऑनलाइन वेखी दे सी, 7 पीसेस का सेट है पूरा है। इतना भी तो होना है कि इसकी प्राइस भी लिखी है। ये है भी ठहर से सही, कितने क्यूट है। ये छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। ये मैं कब से ढूंढ रही थी ये। ये कितना प्यारा जार्स वगैरह रखने के लिए। ये कितना क्यूट है, ठीक है चलो। तो प्यारा बनाया है मैंने, है ना। ये देखो वाह, मुझे बॉल देखो, मिरर ही मिरर है। इसमें भी बनाया हुआ मेरे देखो मेरे, कितना खूबसूरत है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे सेट, कलर कितना प्यारा है, ये वाइट है, कितना खूबसूरत है। भी सही लगता है वाले, है ना। ये तो बहुत महंगे ने, सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स है। देखो जरा ह्यूज वैरायटी, मैं कहनी हूँ कि कुछ नहीं रहने को, हर चीज़ है। बेसमेंट तो भरी पई है, 17,000 का है ये। ऐ तो लग रहा है अस उधर आ गए हैं नर्सरी च, नर्सरी में तो नहीं आ गए हम। ऐ भी कितना प्यारा है वाला, ना ऐ वेख ऐ वाला, ऐ कितना प्यारा लग रहा है ऐ वाला, हैं प्यारा। ऐ लैंप लैंप ऐ वाला, हाँ लेयर ये वाले, ये वाला प्यारा। ये भी जोड़ी है क्या,
गमले तो पता नहीं क्या आने क्या मन हो रहा। ये लिया एक चट्टूबट्टा नहीं होता ये। हाँ और ये लिया एक, ये लो एक मैट लिया है रोटी वगैरह के लिए। एक ये लिया था, अब इसको ओपन करना है सब। एक ये है नमकदानी मम्मी ने लिया वाला, वैसे ये वाला है ना ये भी 3।